पुलवामा में जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। सूत्रों के मुताबिक एक दर्जन मिराज विमानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर जैश-ए- मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को लगभग 100 किलो विस्फोटक गिराए हैं। सूत्रों के अनुसार वायुसेना ने करीब 12 मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल करते हुए पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। खबर यह आ रही है कि जिस जैश के कई प्रमुख सरगना भारत में ऐसे हमले की पहले से अंदाजा लगा चुके थे और उन्हें अपने ठिकाने बदल लिए थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले की आशंका जैश के आंकड़ों को पहले से ही थी, इसलिए उन्हें उनके कई प्रमुख आतंकी आकाश सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। जैश मोहम्मद के खुफिया मौलाना मसूद अजहर का भाई भी शायद पंजाब के अपने ठिकानों से कहीं और चला गया। सूत्रों के अनुसार मौलाना मसूद अजहर भी खुद को बलरामपुर जैसे कैंप में नहीं है। भारतीय वायुसेना ने करीब 1000 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना ने यह स्वीकार किया था कि भारतीय विमानों ने उनकी सीमा में घुसकर विस्फोटक किया है। मंगलवार को तड़के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफ्फा ट्वीट ने किया, भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। पाकिस्तान वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की, भारतीय विमान वापस चले गए। की तरफ से इस दावे के लिए डिड्यूट किया गया। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।